हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं क्रीमी चीज़ी मैगी। जिसके लिए हमने यहाँ पे लेना है ऑयल। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम चॉप्ड गार्लिक, देन चॉप्ड अनियंस। इसे भी अच्छे से सौते कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम और उसको भी अच्छे से सौते कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटोज़। फिर इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड चिली पाउडर, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके जो भी हमारी वेजिटेबल्स हैं उसे हम पका लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पे मैगी मसाला, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको थोड़ी देर कुक होने छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो नूडल्स हैं, तो मैगी को ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको भी थोड़ी देर कुक होने देंगे। फिर से हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हम मैगी को अच्छे से पका लें। और यहाँ पे मैगी को मैंने सिर्फ 70% पकाया है। और यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है वो है मेयोनीज़। मैंने ना ही क्रीम यूज़ किया है और ना ही मैदा। यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ से बनाया बिल्कुल क्रीमी मैगी। और फिर इसमें मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है चीज़। और यहाँ पर जो मैंने चीज़ लिया है वो मैंने मोज़रेला लिया। आप चाहे तो प्रोसेस भी ले सकते हैं। इसको ज़्यादा स्टिकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मोज़रेला यूज़ किया। इसको इसके बाद इसमें ऐड कर दिया मैंने हरा धनिया। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर से और चीज़ ऐड कर दिया था, थोड़ा सा और चीज़ी बनाने के लिए। इसे अच्छे से थोड़ी देर कुक होने देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम ऑरिगेनो। उसके बाद ये हमारा रेडी। और ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा स्टिंकी क्रीमी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।